वैसे तो बहुत सारे किरदार प्ले किए हैं मैंने, लेकिन मैं आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ अपने आप को इस किरदार को प्ले करते हुए. इट्स बीन एन एब्सोल्यूट ऑनर टू वेयर द यूनिफॉर्म. इंडियन पुलिस सर्विस, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द इसमें है सर्विस. ये वाकई में एक सेवा है. एज एन एक्टर आई फील एक्सट्रीमली ऑनर्ड कि मुझे एक ऐसे वर्दी बड़े पर्दे में पहनने का मौका मिला. जैसा कि सर कहते हैं कि हम तो रील के हीरोज हैं, आप हमारे असली हीरोज हैं. वैसे तो बहुत सारे किरदार प्ले किए हैं मैंने, लेकिन मैं आज बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ अपने आप को इस किरदार को प्ले करते हुए. कैरेक्टर्स को प्ले करना एक चीज होता है और रियल लाइफ हीरोज को पोर्ट्रे करना एक अलग ही गेम होता है, और उस गेम के मास्टर है रोहित जी. मुझे बहुत खुशी है कि ये एक ओड है इंडियन पुलिस फोर्स को, और इसका एक छोटा सा हिस्सा मैं भी हूं. आप सभी को, इंडियन पुलिस फोर्स को, दिल्ली पुलिस फोर्स को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम. इट्स बीन एन एब्सोल्यूट ऑनर टू वेयर द यूनिफॉर्म. इंडियन पुलिस सर्विस, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द इसमें है सर्विस. ये वाकई में एक सेवा है देश के लिए ग्रास रूट लेवल पर. मुझे कमिश्नर साहब संजय जी याद दिला रहे थे कि 20 साल पहले जब सुनामी दक्षिण भारत में हुई तो मैं वहां पे ग्राउंड जीरो पर काम कर रहा था. वॉलंटियर्स के साथ में नव निर्माण करने की कोशिश कर रहा था, रिहैबिलिटेशन का काम कर रहा था वहां पर. और संजय जी वहां तब ग्राउंड पर, इन द मिडल ऑफ ऑल दैट मेहम एंड मैडनेस, आप लोग वहां थे, इसलिए हम अपना काम कर पाए. Without our heroes in uniform, कोई भी सिस्टम चलाना, देश चलाना, संयम बरतना इम्पॉसिबल है. आई थिंक अब जब मैं एक मुकाम पे, एक एज पे पहुंचा हूं, जब मेरे को अवेयरनेस मिली है, आई थिंक द पुलिस सर्विस इज वन ऑफ द टफेस्ट जॉब्स इन द कंट्री, बिकॉज आप हर लेवल पर कॉन्स्टेंटली एक सिटीजन से इंटरैक्ट कर रहे हैं. उसी सोसाइटी में आपको उनका ध्यान भी रखना है, उनकी उनसे बातचीत करना, हर कॉलोनी, हर एरिया, हर एज ग्रुप से अलग तरीके से बात करना. आई थिंक दे आर ब्रिलियंट. आई थिंक दे आर ऑल्सो ब्रिलियंट एट पीपल डीलिंग. लोग समझते हैं कि हमारा काम मुश्किल है यहां पे सबको एड्रेस करना. आई थिंक जो हमारे सारे पुलिस ऑफिसर्स यहां पे हैं, वो कितनी कितनी तहजीब से, कितने इतने अपने पेशेंस से अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए लोगों से डील करते हैं, हमेशा काम करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं. एंड एज एन एक्टर आई फील एक्सट्रीमली ऑनर्ड कि मुझे एक ऐसे वर्दी बड़े पर्दे में पहनने का मौका मिला. जैसा कि सर कहते हैं कि हम तो रील के हीरोज हैं, आप हमारे असली हीरोज हैं. तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं ये शो लेकर, और आज मैं अपने ही होम टाउन में इस अमेजिंग लोकेशन में आपके साथ हूं. मैंने पुलिस, मुंबई पुलिस के साथ बहुत ज्यादा काम किया है, फिल्म्स रिलेटेड और वैसे भी. सो मैं जानता हूं कि परिवार पे क्या गुजरती है. तो सिर्फ एक ऑफिसर ही ड्यूटी पर नहीं रहता है, जब तक वो रिटायर नहीं होता उसकी फैमिली भी ड्यूटी पर रहती है, और वो बलिदान कितना देती हैं वो कभी हाईलाइट नहीं होता, और ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं. सो आई थिंक आप सभी को सल्यूट, ऑल द वाइव्स ऑफ ऑफिसर्स सिटिंग हियर एंड फैमिली, यू गाइज, यू ऑल आर द रियल हीरोज एक्चुअली. यू नो, आप लोग एक हेडक्वार्टर्स तो होता है, आप दूसरा हेडक्वार्टर्स घर पर होता है. एंड जिस तरह से आप ऑफिसर्स को हमारे संभालते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, यू नो, एंड इट्स नॉट इजी. मैं जानता हूं कि कई बार ऐसा भी होता है कि 48 घंटे काम पर रहना पड़ता है, ड्यूटी पर, कई बार उससे ज्यादा. अब हम यहां खड़े हैं और करीबन 35,000 से ज्यादा ऑफिसर्स ने अपना बलिदान दिया है. सो सिर्फ 35,000 ऑफिसर्स ही नहीं, उनकी फैमिली भी ने भी बलिदान दिया है, और ये कई बार हमारे यंगस्टर्स भूल जाते हैं इस बलिदान को.
और इस तरह की जो मॉन्यूमेंट हमारा है इसे हाईलाइट करना बहुत जरूरी है ताकि वो बलिदान हमारी आने वाली जनरेशन को याद रहे और उसकी वैल्यू करे, हमारे हीरोज की वैल्यू करे।